ठीक है, कब करना है खून? आज शाम में। किसी को शक तो नहीं होगा? मगरमच्छ शक कैसा और किस लिए? यही मारेंगे कहां? जेड ब्रिज पर। मगर वो तो खुदकुशी साबित हो जाएगी। इल्जाम उन दोनों पर कैसा आएगा? उनमें से किसी एक को किसी बहाने से ब्रिज पर बुला लेते हैं। जैसे ही वो ब्रिज पर आया, बूम। उसे पानी में धक्का दे देंगे। फिर तो साबित हो जाएगा कि मर्डर नहीं, सुसाइड है। सुसाइड। काफी सारे लोग होंगे वहां, सब गवाही दे देंगे कि हमने मारा उसे। तो घर में सब तरफ कैमरे हैं, दिख जाएगा कि हमने मारा। तो कुछ बता फिर। एक मिनट, एक मिनट। ब्रिज पर ही ठीक रहेगा। अगर जैसे ही उनमें से कोई एक भी राकेश के पास पहुंचा, हम उनके घर के चाकू से राकेश का खून कर देंगे। किसी को हम पर शक नहीं होगा? कैसे होगा? चाकू उनका, सबके सामने जब पेट फट के खून निकलेगा तो गवाही भी सब देंगे कि उन्होंने मारा राकेश को। चाकू पे उनके हाथ के निशान चाहिए फिर। एक काम करें, दो चाकू से मारते हैं, दोनों को एक साथ फंसा देते हैं। पर दोनों के फिंगरप्रिंट्स कैसे लाएगा? रमा का तो किचन के चाकू से मिल जाएगा, मगर मगर महेश का कैसे आएगा? उसको थप्पड़ मार के। कैसे? सुन, एक चाकू अपने पास रखते हैं, गाली देने की देर है, वो भाग कर रूम में आएगा। फिर आगे का मैं संभाल लूंगा। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि हम पर निगरानी रखने के लिए जो कैमरे लगाए हैं वही उसके खिलाफ इस्तेमाल करें। मतलब? जैसे ही वो रूम में आएगा मैं उसे थप्पड़ मारूंगा, फिर दूसरे कोने की तरफ भागूंगा और फिर टेबल से टकरा के गिर जाएगा, यही ना? गुस्से में वो चाकू उठाएगा तो, मगर चलाएगा नहीं। मारना होता तो जब शादी की थी रमा से तभी हमें मार देता। बस गुस्से में जैसे ही वो चाकू फेंक कर रूम के बाहर जाएगा, हमारे पास चाकू भी आ जाएगा और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी। मगर क्या रमा को सजा देना ठीक रहेगा? जब हम पर जुल्म होता है तो वो भी तो देखती है। चुपचाप राकेश को मरना होगा और इन्हें एक दूसरे के बगैर सारी जिंदगी जेल में गुजारनी होगी। पापा की याद आती है यार। उनके जाने के सिर्फ एक महीने बाद ही मां ने महेश से शादी कर ली। प्यार अंधा होता है, सुना था, मगर बेरहम तो नहीं होता जो अपने इकलौते बच्चे पर हो रहे जुल्म को देख ना सके। लेकिन दोनों को ब्रिज पर बुलाएगा कैसे? महेश को यह कहकर कि उसकी ये घड़ी हमारे पास है, और मां को यह कहकर कि वो हमें ब्रिज से ढकेल देने की कोशिश कर रहा है, हमें मार रहा है। जल्दी आ जाओ मां, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उसका ऑफिस 10 मिनट की दूरी पर है और हमारा घर 15 मिनट की। अगर यहां आते हुए लेट हुआ भी तो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। घड़ी देखकर वो हमें मारना शुरू कर देगा, तभी मां ये देखकर हमें बचाने आएगी। जैसे ही वो दोनों हमारे पास आएंगे, हमें एक साथ दोनों चाकू हमारे पेट में उतारने होंगे। वक्त कम होगा, उसकी फिक्र मत कर, हो जाएगा। फिर ना ही हम पे शक होगा ना ये बचेंगे। ये आखिरी मौका होगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दोबारा कोशिश करने के लिए तू राकेश जिंदा नहीं बचेगा। हाँ पता है। किसी से नहीं मां, अपने आप से। तो शुरू करें। सुन बे महेश, इधर आ, तुझे बताता हूं। तू मेरा बाप तो नहीं,
मगर हाँ, मैं तेरा बाप जरूर होगा।